जिंदगी की हाईवे पर मौजूद हूँ और आज मैं आपको लाइव यहाँ पर मौत का रक्स दिखाऊंगा। अभी दो यहाँ पर मोटरसाइकिलें गिरी हैं, उससे पहले दो आगे गुजरी हैं। ये दिखाएंगे आपको कि किस तरह यहाँ पर कम उम्र बच्चे वन व्हीलिंग करके अपनी मौत को खुद दावत देते हैं। यार मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ कि अगर नीचे आ जाए कोई तो फिर इनको कल ही नहीं आई। यार बहुत मुश्किल है, ये कंट्रोल होना चाहिए इस पे। ये बत्ती चौक का पुल है, मेन पुल है, इसे 8 से 10 सड़कें लगती हैं। इनको चाहिए बेहतरीन किस्म का चालान करें, बाइक को बंद करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूँ सैयद अली रज़ा। जिंदगी की हाईवे पर मौजूद हूँ और आज मैं आपको लाइव यहाँ पर मौत का रक्स दिखाऊंगा। ये दिखाएंगे आपको कि किस तरह यहाँ पर कम उम्र बच्चे वन व्हीलिंग करके अपनी मौत को खुद दावत देते हैं। ये देखें नाजरीन, ये वन व्हीलिंग का नतीजा है। वन व्हीलिंग करते हुए ये देखें, ये वन व्हीलिंग करते हुए जा रहे थे और यहाँ पर मोटरसाइकिल पे मोटरसाइकिल लगा है। नाम क्या तुम्हारा? ये उसकी बाइक है। उसकी बाइक है, लड़के की है। कौन है लड़का? वो तुम्हें शर्म नहीं आती? मर जाते तुम्हारे ऊपर, ये गाड़ी चढ़ जाती। मेरी नहीं है। अपनी 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 मौत को दावत दे रहे हैं। सर क्या बोलेंगे? मैं ये कहता हूँ ये बहुत बुरा चला रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बहुत ही गलत चलाया आपने, इसको पकड़े, इसको पुलिस के हवाले करें। यार मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ कि अगर नीचे आ जाए कोई तो फिर इनको कल ही नहीं आई। यार और इस वक्त आपने देखा सरासर मौत को दावत देने वाले यहाँ पर वो जवान मौजूद थे जो वन व्हीलिंग करते हुए आ रहे थे और यज्ञ के बाद देख रहे। हमने देखा कि मोटरसाइकिल के अंदर मोटरसाइकिल लगा, जिसके बाद यहाँ पर कुछ देर के लिए तो ट्रैफिक भी जैम हो गई। अल्लाह का करना ये कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, वरना ये देखें ये बदतमीज़ जा रहे हैं, ये बद तहजीब जा रहे हैं और ये यहाँ पर अपनी मौत को दावत देते हुए जा रहे हैं। और अगर इन लोगों को अब अगर कानून के कटहरे में ना लाया जाए, इनके वालिदैन को पनिश ना किया जाए, तो हम क्या देखेंगे कि आने वाले टाइम में शायद ये भी उसी मौत के मुर्तकिब हो सकते हैं। ये ख़तरनाक आंग है, इंतज़ामिया को एक्शन लेना चाहिए, यहाँ सख्ती होनी चाहिए। छुट्टी का दिन है, लोग निकलते हैं घरों से अपने इंजॉयमेंट के लिए, मगर ये ख़तरनाक काम जो है ना, ये शैतानी खेल, ये खतरनाक काम है। मेरी बहन बात और माँ आप कैसा देखती हैं? अभी क्या हो जाता अगर कोई मर जाता यहाँ पर? माँ के लिए कितना मुश्किल लम्हा था ये? बहुत मुश्किल लम्हा है, ये कंट्रोल होना चाहिए इस पर। ऐसा कोई त्यौहार है, सबसे पहले सिक्योरिटी जो है ना सख्त करनी चाहिए। और यहाँ पर डॉल्फिन कहते हैं घूम रही है, कहाँ है डॉल्फिन? डॉल्फिन चाय पानी पी रही होगी और कहाँ होगी? देखें यहाँ पर जरा कैमरा घुमाएं भाईजान, ये सारा व्यू में लाएं। आप देख सकते हैं नाजरीन के यहाँ पर इस वक्त शाम का वक्त होने वाला, मगरिब का टाइम है और लिहाजा गुजारिशात ये है पंजाब पुलिस से और वार्डन पुलिस से कि यहाँ पर सख्त से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएँ। और ये जा रही हैं, अभी दो यहाँ पर मोटरसाइकिलें गिरी हैं, उससे पहले दो आगे गुजरी हैं। और इस ये बत्ती चौक का पुल है, मेन पुल है, इसे 8 से 10 सड़कें लगती हैं। ये देखें ये कितना बड़ा गोल चक्कर है, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई परवाह ही नहीं है। जिसको 150 दे देते हैं वो छोड़ देते हैं। इनको चाहिए बेहतरीन किस्म का चालान करें, बाइक को बंद करें। अगर माल रोड पर कोई चला जाता है वहाँ पर तो चालान कर दिया जाता है। कोई कम उम्र इस तरह की हरकत कर रहे हैं, वन व्हीलिंग कर रहे हैं, तो फिर उनके वालिदैन को पनिश करें। सर बिल्कुल करनी चाहिए, ये ज़बरदस्त आपने बात बिल्कुल जी। यहाँ पर अब वक्त आन पहुँचा है कि इस पब्लिक सर्विस मैसेज के थ्रू जो वालिदैन है वो ये देखें, ये कम उम्र बच्चा जा रहा है, ये यहाँ पर वन व्हीलिंग कर रहा था। और यहाँ पर आपको ऐसे कई कम उम्र बच्चे नज़र आएंगे जो यहाँ से वन व्हीलिंग करते हुए इस पुल से उतरेंगे। और जबकि यहाँ से चूँकि लारी अड्डा इस पुल के बगल में है, तो हर कुछ मिनट के बाद हैवी ट्रैफिक का भी गुजर होता है। तो अपनी मौत को खुद दावत देते हुए इन बच्चों की तरबियत और इनके वालिदैन को एक जिम्मेदारी ठान लेनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।